हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और थोड़ा सा तेल डालना है, और यहाँ पे मैंने 10 से 12 सूखी लाल मिर्च लिया है। इसे हल्के हल्के से हम फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च कम भी कर सकते हैं, अगर आप तीखा नहीं खाते तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कम डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम तेल में हम प्याज डालेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इसे भी हल्के से फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। इसमें जो क्रिस्पीपन होता है ऑनियंस में, वो रहना चाहिए, तो हम हल्के से इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑनियंस फ्राई हो गया है, अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे 1 कप आटा लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पे तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आटे में तेल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट क्रिस्पी बना रहे हैं हम, तो इसमें तेल डालेंगे तो ये खस्ता बनेगा। इस तरह अगर आप इस मुट्ठी में बांधेंगे तो लड्डू जैसा बनना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे एक लोई बना लेंगे। आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे, एकदम नरम बना लेंगे, सॉफ्ट। तो ये देखिए, आटा रेडी हो गया है। तो हम अब इसे साइड में रख देंगे और स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, इसे हम क्रश कर लेंगे। जब आप इसे अच्छे से क्रश करेंगे ना, तो इसमें से अच्छा सा खुशबू आएगा, क्योंकि लाल मिर्च का जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसे सारा जो है मैंने क्रश कर लिया है। इसमें हम आलू मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। ऑलरेडी आलू को उबाल लिया है, तो इसमें डाल लेते हैं आलू को और अच्छे से मैश कर लेंगे आलू को। तो देखिए, आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऑनियंस ऐड कर लेते हैं और धनिया, और थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देते हैं, और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लोई लिया है। लोई लेकर अब हम इसे पूरी के साइज़ में हम इसे बनाएंगे, जैसे आप रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे और ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। आप चाहें तो थोड़े थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। अब हम इस रोटी को जो है सेकेंगे, लो फ्लेम में सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, जैसे हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अगर आपको सारे रोटी एक ही जैसा बनाना है, एक ही साइज़ में बनाना है, तो आप इसे किसी भी टिफ़िन बॉक्स से आप इसे कट कर सकते हैं, और इसे अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला जो प्रोसेस है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो सारे रोटी मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो एक रोटी हम इसमें लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ डालेंगे। आप चाहें तो रोटी के ऊपर केचप भी अप्लाई कर सकते हैं। केचप अप्लाई करने के बाद आप चीज़ डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टफिंग लिया है और इसके ऊपर रख देंगे। स्टफिंग को अच्छे से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रोटी रेडी हो गया है। तो अब हम इसे
सारे ऐसे ही बना के हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 चम्मच के करीब और इसे गरम कर लेंगे। तो तेल गरम हो गया है, हम इसमें एक एक फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 रखा है, अगर आपके कढ़ाई में स्पेस और है तो आप और एक भी रख सकते हैं, एक ही बार में 3 आप फ्राई कर सकते हैं। तो दोनों को दोनों तरफ पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी बने थे और इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही हेल्दी है ये रेसिपी। मेरे बेटे को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, वो एकदम उसे कुछ ना कुछ नया नया खाने को चाहिए, तो मैं ये रेसिपी उसे बनाया ना तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप ये घर पे ज़रूर बनाना क्योंकि ये ना बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी घर पर ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।